स्किल्स। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक लेकर आए, दैट इज़ एडी करेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, तो आज हम लोग बात करते हैं एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स क्या होते हैं? दिस आर दोज करेंट्स विच एग्जिस्ट इन बल्क पीसेस ऑफ ए कंडक्टर। इट अपोजेस द मेन करेंट एंड दस प्रोड्यूसेस लॉसेस। तो ये एडी करेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? दैट टेक्स प्लेस इन द बल्क पीसेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का जो बड़ा बड़ा पीस होते हैं उसके अंदर देयर इज ए एडी करेंट्स। तो ये इसका मेन पर्पस क्या होता है? इट अपोजेस द मेन करेंट एंड इट दस प्रोड्यूसेस लॉसेस। तो लॉस क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज इट अपोजेस द मेन करेंट। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए, यहाँ पर एक कॉइल है जो हम लोग फेराडे लॉ में डिस्कस किया था, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट को प्लेस किया। तो ये नॉर्थ पोल और ये क्या होगा? साउथ पोल। जैसे मैग्नेट ऐसे कॉइल के सामने आ रहा है तो क्या होगा? द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल इंक्रीज। ये फ्लक्स जो कॉइल के साथ है दैट विल इंक्रीज, और जैसे फ्लक्स बढ़ गया तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट। सो देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब ये जो करंट है तो करंट का मेन पर्पस क्या होगा? इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग एडी करेंट्स। तो यहाँ पर तो कॉयल में हो रहा है करंट, लेकिन अगर हम लोग एक बल्क पीस कंसिडर करते हैं, सपोज ये कोई हम लोग के पास एक बल्क पीस है कंडक्टर का। अब यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट को मैंने क्या किया? इसके सामने लेकर आया। अब क्या होगा? इसमें इस कंडक्टर के अबाउट देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पर क्या बनेगा? इंड्यूस करंट बनेगा। तो इस करंट का जो डायरेक्शन होगा सो दैट विल बी लाइक दिस। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो ये करंट का डायरेक्शन होते हैं। तो इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस करंट्स आर नोन एज द एडी करंट्स। इसी को हम लोग नाम दिया जाता है एडी करंट्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एडी करंट्स इज बेसिकली द इंड्यूस करंट विच डेवलप इनसाइड द बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका काम क्या होगा? इट विल ट्राई टू अपोज द मेन करंट एंड इट प्रोड्यूसेस लॉसेस। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एडी करंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ एडी करेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर के सामने हम लोग एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो मैग्नेट के कारण क्या होगा? देयर विल बी चेंजिंग फ्लक्स, और उसके कारण देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप इंड्यूस करेंट। तो इंड्यूस करेंट का जो डायरेक्शन होगा सो दैट विल बी इन द सर्कुलर डायरेक्शन। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का शेप ले लेगा। तो दिस करेंट्स आर नोन एज द एडी करेंट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी करेंट्स। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होते हैं? ऑन वेयर डज इट एडी करेंट्स मेनली अप्लाई? तो एडी करेंट्स का मेन जो एप्लीकेशन होते हैं एडी करेंट्स कहाँ पर अप्लाई होते हैं? पहले होते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ब्रेक्स। तो यहाँ पर मेनली एडी करेंट्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद इट आल्सो अप्लाइज इन द स्पीडोमीटर, जो हम लोग का गाड़ी में यूज़ होते हैं स्पीडोमीटर, वहाँ पर भी एडी करेंट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ डिवाइसेस में वी अप्लाई द एडी करेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, देन स्पीडोमीटर, ऑल दिस डिवाइस वी अप्लाई द एडी करेंट। अब एडी करेंट का कैसे हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं? तो एडी करेंट्स को रिड्यूस कैसे हम लोग करते हैं? बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का कोर को अगर हम लोग लैमिनेट कर देते हैं देन वी कैन रिड्यूस द एडी करेंट्स। तो लैमिनेट मतलब क्या होते हैं? लैमिनेट मतलब पॉलिश। तो अगर हम लोग एक
कंडक्टर का कोर को पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, उससे देयर विल बी लेस एडी करेंट प्रोड्यूस. सो बाई दिस वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ एडी करेंट्स. आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ. एडी करेंट्स आर बेसिकली दिस आर दोज करेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द बल्क पीसेस ऑफ ए कंडक्टर. इसका शेप कैसे होते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे होते, इसका पर्पस क्या होता, इट विल अपोज द मेन करेंट एंड दस इट प्रोड्यूसेस लॉसेस. ये कहाँ पर यूज़ होते, इन केस ऑफ स्पीडोमीटर, देन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. तो यहाँ पर एडी करेंट्स का एप्लीकेशन है. कैसे हम लोग एडी करेंट्स को रिड्यूस कर पाते, बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ ए कंडक्टर. तो आइए नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक था एडी करेंट्स. तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, सो नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करेंट. ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोगों को क्लास 10 में भी मिला होगा. ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पर दो तरह का करंट है, एक है डीसी करंट और दूसरा क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट. तो ऑल्टरनेटिंग जैसे कि आप लोग को नाम से पता चलेगा, तो ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है, चेंजिंग, राइट. ऑल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग. तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या होगा, जहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस. अगर करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा तो इसको हम लोग क्या करंट नाम देंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ऑल्टरनेटिंग करंट आर दोज करंट इन विच बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस. तो यहाँ पर आए इसका थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को. तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो शेप होते हैं, द शेप इज गिवन बाय लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. तो इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को दिखा सकते हैं ऐसे. तो ये जो पॉइंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू. सो लेट अस कंसीडर दिस इज आई नॉट. तो y डायरेक्शन में किसको लिया हम लोग, करंट को लिया, और x डायरेक्शन में वी हैव टेकन टाइम. तो ये कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज से टी बाई टू. तो ये कौन सा पॉइंट होगा, सो दिस विल बी टी, राइट. तो यहाँ से वन कंप्लीट साइकिल के लिए फ्रॉम ज़ीरो टू टी द ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी ऑफ दिस शेप. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव डायग्राम है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एट ईच पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, ऊपर गया, मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ, देन इट बिकम ज़ीरो, देन इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नीचे चला गया. उसके बाद फिर से इट हैज़ चेंज द डायरेक्शन. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग. यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल कॉन्टीन्यूसली चेंज. सो दैट इज़ द ऑल्टरनेटिंग करंट. अब इसका जो फ्रीक्वेंसी होते, नॉर्मली हम लोग का घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आते हाउस होल्ड और एसी, तो हाउस होल्ड एसी कितना होते, तो हाउस होल्ड एसी जनरली 50 हर्ट्ज़ का होते. 50 हर्ट्ज़ मतलब कितना है, यहाँ पर 50 टाइम्स इसका ऑसिलेशन होगा इन वन सेकेंड. अगर 50 बार ऑसिलेशन करते एक सेकेंड में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्स. तो हाउस होल्ड हम लोग का घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होते तो इसका फ्रीक्वेंसी जनरली इट वाज 50 हर्ट्स. और वोल्टेज कितना आते, तो वोल्टेज वाज 220 वोल्ट. अब ये जो करंट है इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, सिंस दिस इज ए वेव डायग्राम. तो वेव को हमेशा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई वेव इक्वेशन. तो किसी भी वेव इक्वेशन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा तो हम लोग इसको वेव इक्वेशन में लिख सकते. तो वेव इक्वेशन में क्या रहते हैं, दो पार्ट्स होते. एक होते कांस्टेंट पार्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड, और दूसरा क्या होते फेज पार्ट. तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, सो दैट इज गिवन बाय आई नॉट, मतलब इसका पीक वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, साइन ओमेगा टी. सो दिस इज द वेव इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है.
ये वेव इक्वेशन, सो दिस इज़ द वेव इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करेंट, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद द चेंज इन टाइम द करेंट विल ऑल्सो चेंज, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा सो दैट इज गिवन बाई, ये इसका एम्पलीट्यूड है सो दैट इज गिवन बाई आई नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट, तो यहाँ पर देखिए हमेशा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट में, तो डायरेक्ट करंट क्या होते, सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ करंट व्हिच इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट क्या होते, सो डायरेक्ट करंट, सो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इज ऑलवेज क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो ऐसा करेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करेंट। तो आप लोग प्रैक्टिकल लैब में आप लोग देखेंगे इन द बैटरी एलिमिनेटर वी गिव ए पार्टिकुलर वोल्टेज से सपोज 2 वोल्ट या 4 वोल्ट लाइक दिस, तो यहाँ से जो करेंट प्रोड्यूस होगा सो दैट विल बी डायरेक्ट करेंट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सो दैट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो डायरेक्ट करंट का क्या होता है, डायरेक्ट करंट का सिंस द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे तो ग्राफ में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं डायरेक्ट करंट को, सो इन द ग्राफ द डायरेक्ट करंट विल लुक लाइक दिस, ये करंट है और ये क्या है, टाइम है, टाइम के साथ क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज सो इट विल टेक दिस फॉर्म, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सो दिस रिप्रेजेंट दैट विथ द टाइम द करेंट विल नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, तो करेंट कैसा है, करेंट विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी कितना होगा, सो फ्रिक्वेंसी विल बी जीरो, देयर विल बी नो ऑसिलेशन, सो सिंस देयर इज नो ऑसिलेशन सो फ्रिक्वेंसी विल बी जीरो, सो दिस इज द डायरेक्ट करेंट। तो इसको कैसे मेजर करते हैं डायरेक्ट करेंट को, बाई यूजिंग द बैटरी एलिमिनेटर जो हम लोग का प्रैक्टिकल लैब में यूज करते हैं। तो आप आए ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, एक होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और दूसरा क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू, तो आप लोग को पता है ईएमएफ, यहाँ पर सिंस करेंट इज चेंजिंग सो वोल्टेज विल ऑल्सो चेंज, तो वोल्टेज भी कैसा चेंज करेंगे, जैसा करेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ आएगा, सो दैट इज गिवन बाई ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करेंट क्या होगा, सो करेंट इज नथिंग बट वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, सो दैट विल बी गिवन बाई ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी, सो ई नॉट बाई आर, सो ये क्या होगा, सो दैट विल बी आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करेंट इन टू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट हम लोग किसको लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी को। आई आप निकालते एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वी विल कंसीडर द वन कॉम्प्लीट साइकिल, तो वन कॉम्प्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम जीरो टू टी, सो फ्रॉम जीरो टू टी वी विल कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो एवरेज वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, सो इंटीग्रेशन आएगा आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द एवरेज वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इंटीग्रेशन, फ्रॉम जीरो टू टी, फ्रॉम जीरो टू टी, राइट। आप इसके अंदर आप पुट कर दीजिए करंट का वैल्यू को, सो इफ यू पुट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट देन हाउ मच विल गेट, so I average, so it will come out I naught sin omega t into dt होगा, और नीचे क्या होगा dt, from 0 to t, right, from 0 to t। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं I naught क्या है, constant है, और नीचे क्या आएगा t आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा रहेगा, 0 to t sin omega t into क्या होगा dt,
यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। सो दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। सो लेट अस ट्राई टू इंटीग्रेट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होते हैं, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, सो दैट इज़ गिवन बाई माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा आएगा फ्रॉम ज़ीरो टू टी। नाउ इफ़ यू पुट द लिमिट्स, अगर हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे, दैन इफ़ वी अप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, ये आप लोग को पता है ओमेगा इज़ नथिंग बट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या होता है, टू पाई बाई कैपिटल टी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते दैन इफ़ यू कैलकुलेट, जो हम लोग को मिलेगा फाइनली आई नॉट बाई टी, ये ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनली बचेगा, सो दैट विल बी इफ़ यू पुट द लिमिट ऑल्सो, अपर लिमिट क्या है कैपिटल टी एंड लोअर लिमिट इज़ ज़ीरो। तो अगर हम लोग ऐसे पुट कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास, माइनस कॉस यहाँ पर टू पाई बाई टी, तो यहाँ पर बचेगा टू पाई, राइट, माइनस क्या होगा कॉस ऑफ ज़ीरो डिग्री। तो कॉस ज़ीरो कितना होता है, वन, और कॉस ऑफ टू पाई मतलब कॉस 360 डिग्री, तो कॉस 360 डिग्री कितना हो जाएगा, सो कॉस 360 डिग्री होगा माइनस 360 डिग्री कितना होता है, सो दैट विल बी माइनस वन, सो माइनस प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ये जो माइनस साइन था पहले का, तो इसको अगर हम लोग बाहर लेके जाएंगे तो एवरेज, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, कॉस टू पाई विल बी प्लस वन एंड कॉस जीरो विल बी समझ में आ गया होगा प्लस वन, और कॉस जीरो के पहले एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा, कॉस टू पाई इज इक्वल टू प्लस वन, तो यहाँ पर माइनस साइन को मैंने पहले बाहर लेकर गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा प्लस वन माइनस वन, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, प्लस वन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। सो एवरेज वैल्यू कितना आ गया, जीरो। सो व्हाट वी कैन से दैट एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला कैलकुलेशन था। अब आते हैं दूसरा कैलकुलेशन में। सो दूसरा कैलकुलेशन किसका करेंगे हम लोग, दूसरा कैलकुलेशन हम लोग करने वाले आर एम एस वैल्यू का। सो आर एम एस वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, सो ज़ीरो टू टी, यहाँ पर इसको लिखा जाएगा आई स्क्वेयर डी टी से। तो यहाँ पर क्या होगा, डी टी फ्रॉम ज़ीरो टू टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वेयर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद में रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग को आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करने दिया जाएगा देन वील अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आई की जगह पर क्या होगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इफ यू पुट द वैल्यू देन हाउ मच विल गेट, तो अगर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते तो कितना आएगा, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ऊपर होगा ज़ीरो टू टी, सो दिस विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय कितना आएगा टी। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी विल बी कॉमन, और वी कैन सी इट इज़ कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ज़ीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन। तो उसके बाद क्या होगा, ये इतना तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी रिटन एज आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अब इसका जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, राइट। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, वन माइनस टू कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते तो
तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, थीटा के जगह पर क्या है, ओमेगा टी। सो इफ यू अप्लाई दिस वन, सो हाउ मच विल गेट, सो दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाई टी। अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना होगा, टू होगा। और इसमें इंटीग्रेशन तो पहले से ही था फ्रॉम ज़ीरो टू टी, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वेयर बाई टी। इफ़ वी टेक डी टी इन साइड तो यहाँ पर क्या होगा, डी टी इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, फ्रॉम ज़ीरो टू टी दिस विल बी डी टी डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टी कॉस ऑफ टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू होगा इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डी टी को अंदर ले लिया तो यहाँ पर पहला टर्म क्या बनेगा, डी टी बाई टू, और सेकेंड टर्म क्या बनेगा, फ्रॉम ज़ीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इंटू डी टी। तो यहाँ पर पूरा में क्या होगा, ब्रैकेट होगा, सो दिस होल इज़ मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट स्क्वेयर बाई टी। अब इसको सेपरेटली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पर टी बाई टू होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या बनेगा, टी बाई टू। तो पहला टर्म क्या हो गया यहाँ पर, सो पहला टर्म होगा टी बाई टू माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन अब करना पड़ेगा ज़ीरो टू टी क्या था, कॉस ऑफ टू ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है कॉस टू ओमेगा टी, नाउ इफ वी अगेन अप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, तो अगर हम लोग यहाँ पर ओमेगा को लिखते टू पाई बाई टी तो क्या होगा, सेकंड टर्म में क्या बनेगा, सो यहाँ पर फोर पाई हो जाएगा, कॉस फोर पाई टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो मुझे मिलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। व्हाई, बिकॉज यू सी कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा होगा, और साइन ऑफ ट्वाइस पाई या साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो अगर हम लोग सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा के टर्म्स में आएगा, और साइन ऑफ किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई, ये वन हो सकता है, ये टू हो सकता है, ये फोर हो सकता है, सो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू ज़ीरो। तो अल्टीमेटली मुझे सेकेंड टर्म क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर सेकेंड टर्म ज़ीरो हो गया तो मुझे कितना मिल गया यहाँ से, सो हाउ मच विल गेट फाइनली, तो आई थिंक ये बात आप लोग को क्लियर हुआ, इन द सेकेंड टर्म आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट साइन थीटा एंड साइन ऑफ टू पाई या फोर पाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आई नॉट स्क्वेयर बाई टी इन टू टी बाई टू, तो टी से टी कैंसिल, तो बचा आई नॉट स्क्वेयर बाई टू, सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर आई आर एम एस जो होते हैं, तो आई आर एम एस को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे सिंबॉलिकली हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, अंडर स्क्वायर रूट ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते। तो मुझे क्या मिला था एक्सप्रेशन में, अंडर स्क्वायर रूट, ये आई आर एम एस की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई आर एम एस वॉज हाउ मच वी हैव गॉट, सो दैट वॉज आई नॉट स्क्वायर बाई टू, राइट, सिंस इट इज़ आई नॉट स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई नॉट विल बी आउटसाइड सिंस इट इज़ आई नॉट स्क्वेयर एंड इट इज़ अंडर स्क्वायर रूट। तो फाइनली मुझे कितना मिल गया, आई आर एम एस, सो दैट विल कम आउट आई नॉट बाई रूट टू, सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो आई आर एम एस इज़ गिवन बाई दिस वन। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एम एस करेंट, देन विल राइट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, अंडर स्क्वायर रूट आई आर एम एस। तो इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे जो हम लोग को मिला था आई नॉट स्क्वायर बाई टू, देन फाइनली विल गेट आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू।
सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरएमएस वैल्यू कहाँ पर अप्लाई होते हैं? सो दिस इज बेसिकली अप्लाई इन हीटिंग इफेक्ट। तो आई थिंक आप लोग को मिला होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, ये गॉट आई स्क्वेयर आर इंटू टी, राइट। तो ये जो करंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। सो दिस इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू, ये होते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना है, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू। ठीक वैसे ई आरएमएस मतलब वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू होगा, तो वो उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? सो दैट विल ऑल्सो गिवेन बाई ई नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट बाई रूट टू, एंड ई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। सो दिस आर द एक्सप्रेशन ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।